तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पीछे के स्टोर रूम में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक फुल साइज टूर्नामेंटल पौना, जिसकी एज है अप्रोक्सीमेट 6 से 7 साल। ये टूर्नामेंटल पौना है, गोल फावा नहीं है, थोड़ा सा हल्का लंबा है, देख सकते हैं। बीच में पट्टा है, टेपिंग करी है रेड कलर की, मांगों पे करी है, पीछे की है ये ठीक है। पतंग का प्रोफाइल दिखा दिया मैंने, और दिखाता हूँ ये चीज़ देख रहे हैं, गांठदार पतंग है, गांठ है इसके काप में, अच्छे कारीगर की पतंग है। कारीगर आप लोग गेस करें इस पतंग का, थोड़ा पास से दिखाता हूँ। टूर्नामेंटल स्टैंप है, स्टैंप लगने के बाद जब पतंग वेरीफाई होती है उसके साइज़ में, ठड्डे और काप की दूरी लंबाई पे, तभी पतंग उड़ने के लिए तैयार होती है। और इस पर क्या लिखा है, ये तो डेट पड़ी है 22/2/19, ये डेट है जिस दिन लड़ी होगी, देख सकते हैं आप। पट्टा पट्टे के जोड़ ख़राब हो रहे हैं, कलर डिसकलर हो गया, येलो हो गया। पतंग बहुत बढ़िया और पुरानी है। करने की दूरी देखिए आप कितनी बंदी है। और पतंग मेरे को याद है उस दिन ये पतंग फंस के लड़ी थी, जी हाँ। और ये पतंग फंस के लड़ी, पेंच अच्छा हुआ, लेकिन मैं समझ गया था पतंग कटेगी, क्योंकि ये पतंग आगे तो थी लेकिन बहुत कम दूर से कटी। मतलब फन के 3 नंबर मैदान पर अगर टूर्नामेंट चल रहा था और 2-1 नंबर के ऊपर पतंग पहुंच गई थी लगभग थोड़ा सा उससे आगे, तो उसमें आधी फिर की रील बनती है टूर्नामेंटल में, तो आधी फिर की में अगर आप देखें तो 1/4 फिर की रील भी नहीं कटी, मतलब 100 मीटर डोर भी नहीं आई मुश्किल से, 40-50 मीटर रील है। वो कम होती है दूर के में हवा में, कि वो मान के चलिए आपके कन्ने कमज़ोर होने की वजह से उस जगह पर लड़ गई, कैंची खिसक के आ गया, क्योंकि तभी ये कट गया, उन्हें कटती नहीं। और पतंग कट गई रोड पर, और ये एक बंदा बैठा था अपनी ऑडी में शायद, और वायर में आके उसका डोर फंस गई, रील पता नहीं, वायर कटी थी बिजली की। और आप यकीन नहीं मारेंगे, 4-5 मीटर की चौड़ी सड़क है, उस पर डोर नीचे लटक रही थी, मैं आया और डोर खींची किनारे, वो पतंग हाथ में मेरे, पतंग मैंने तुरंत उतार ली। पतंग बहुत बढ़िया, टूर्नामेंटल साइज, गांठदार। आप इसके कारीगर के गैस करिए, मैं हल्का सा एक स्टैम्प का वो दिखाता हूँ, 3D स्टैम्प लगा इस पर, ठीक है। तो इतना ही आपके लिए बहुत है, बाकी आप बताएं कारीगर पतंग कैसी लगी। बहुत बढ़िया पतंग है, पट्टेदार में टूर्नामेंटल पतंग। अभी फ़िलहाल तो छोटी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जल्दी दोबारा मिलूंगा आपसे मैं इस चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय।